2019 का लोकसभा चुनाव कई मामलों में ऐतिहासिक था। इस बार सबसे ज्यादा लोगों ने वोट डाला। लोकसभा के इतिहास में सबसे ज्यादा 78 महिलाएं चुनाव जीतकर संसद पहुंची। लोकसभा सीटों के हिसाब से महिला सदस्यों की ये संख्या लगभग 17% होती है और अब महिलाओं को लेकर एक और इतिहास रचा गया है। संसद की जो कमेटियां बनाई गई हैं उसमें से एक कमेटी में सिर्फ महिला सदस्यों को स्थान मिला है। तो कौन सी है वो संसदीय कमेटी जिसमें पुरुष सदस्य नहीं रखे गए हैं, देखिए हमारी रिपोर्ट। संसद में अलग अलग मुद्दों पर संसदीय कमेटी गठित की जाती है। लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने के साथ ही ये कमेटियां भी समाप्त हो जाती हैं और नई लोकसभा गठित होने के बाद इनका पुनर्गठन किया जाता है। इन कमेटियों में अलग अलग दल के लोगों को शामिल किया जाता है। कोशिश यही होती है कि सभी दलों को इन कमेटियों में प्रतिनिधित्व मिल जाए और इस बार महिला सशक्तिकरण और उनसे जुड़े मसलों को लेकर जो कमेटी बनाई गई है उसमें 30 सदस्यों को शामिल किया गया है, जिसमें से 20 लोकसभा और 10 राज्यसभा सदस्य हैं और ये सभी सदस्य महिला सांसद हैं। इस कमेटी की अध्यक्ष बीजेपी की सांसद हिना गावित को बनाया गया है। हिना महाराष्ट्र के नंदुरबार से चुनकर आई हैं। हिना गावित भले ही युवा महिला सांसद हैं, लेकिन कमेटी में वरिष्ठ महिला सांसदों को भी शामिल किया गया है, जिसमें जया बच्चन, लॉकेट चटर्जी, शोभा करंजले, कनीमोजी, मीसा भारती जैसी सांसद भी हैं। संसद में महिला सशक्तिकरण से जुड़ी यह कमेटी 1997 से काम कर रही है। इस कमेटी में महिला सदस्यों की संख्या हमेशा पुरुष सदस्यों से ज्यादा रखी जाती रही है, लेकिन पुरुष सांसदों को भी इस कमेटी में स्थान मिलता रहा है। 2014 यानी 16वीं लोकसभा में इस कमेटी में 28 महिलाएं थीं और 2 पुरुष सांसद थे, लेकिन इस बार सभी महिलाएं इस कमेटी में रखी गई हैं। इस समय संसद में महिला सांसदों की संख्या 104 है, जिसमें से 78 लोकसभा में और 26 राज्यसभा में है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।